आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर सारे देश का खास प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए आगे बढ़ते हैं ग्लोबल इंडिया रिपोर्टर की ओर, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण खबरें। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है, जहां भाजपा नेता को उठाकर फेंक दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, नगर के मां दुर्गा विद्यालय में प्रदेश के डिप्टी सीएम का प्रोग्राम था। कार्यक्रम संपन्न हो गया। डिप्टी सीएम के जाते ही किसी बात को लेकर भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी और भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री दिनेश कुमार सिंह में नोकझोंक होने लगी। बात बढ़ती गई। पुलिस बल की मौजूदगी में भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी ने दिनेश कुमार सिंह को पटक कर कई लात और घूंसे जड़ दिए। किसी तरह पुलिस ने विद्यार्थी को अलग किया। मामले को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। पत्रकारों से बात करते हुए दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि विजय सिंह विद्यार्थी अपने आप को माफिया समझते हैं, गुंडा बनते हैं। मैं इसकी शिकायत लिखित रूप से एसपी से करूंगा। बहरहाल जो भी हो, लेकिन दो भाजपा के दिग्गज नेताओं के इस प्रकार से सरेआम लात घुसी की लड़ाई अब खूब चर्चाओं का विषय बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस किस नेता पर कार्रवाई करती है और पार्टी इन दोनों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, ये एक बड़ा सवाल है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जौनपुर से रविंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। शिविर में और विजय सिंह विद्यार्थी चार पांच लोगों को लेकर के हमको बुलाए, बुला करके कहें तुम हमको गाली देते हो। हमने कहा क्यों आपको गाली देंगे, आपसे हमारा कोई मतलब नहीं। हाँ, जो आदमी हमको कहा था तुम दलाल हो, तो हमने कहा कि नहीं दलाल हम नहीं हैं, कहीं बता दो हम दलाली किए हों, किसी से को पैसा लिए हों। बस बात ये तीसरा आदमी इनसे बताए, उसके बाद हमको जो है थप्पड़ शुरू कर दिए इनके साथ। चार पांच लोग जो है अनायास जो है बात कर रहे थे, हम भी प्रश्न उत्तर हो रहा था, तब तक हमको तमाचा उठा करके तुरंत थप्पड़ मार दिए हमको जो है। विजय सिंह विद्यार्थी क्या है, ये ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि हैं, सोधी सोनीपुर के रहने वाले हैं और अपने एक बहुत बड़ा माफिया समझते हैं। ये बताइए, कोई मठ का विवाद है, कोई वीडियो पाइप रिबोर हो रहा था कोहड़े गांव में, तो वहां प्रधान की जिम्मेदारी है रिबोर करने का, हमारा कोई जिम्मेदारी है नहीं। तो वो एक डब्लू सिंह है जो है वो फोन किए हमको एक दिन, कहना आप जो है हैंड पाइप लगवा रहे। हमने कहा हम कौन हैंड पाइप के भाई अधिकारी है, हम लगवाएंगे। गांव के प्रधान है, उसके सेक्रेटरी और वीडियो रिबोर, पानी गंदा था इसलिए पानी पीने के लिए जो है प्रधान ने अपना प्रस्ताव दिया, उसके प्रस्ताव के तहत हैंडपम्प जो है दूसरी जगह लगा। हमसे कोई मतलब नहीं, कहें तुम दलाली करते हो। अरे हमने कहा कि हमारे पास रहते तब बताते तुम। वो पार्टी में ही है जी, पार्टी में क्या है, कुछ है उसमें ब्लॉक भाजपा के कुछ है उसमें, और आप मुद्दे में भागते। हम जिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के। किसके मठ का क्या विवाद है? कार्यक्रम ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम आए थे, स्वास्थ्य मंत्री आए थे, उनके कार्यक्रम में हमको भी निमंत्रण मिला था, निमंत्रण में हम भी गए थे, वो भी निमंत्रण में आए थे। हमको बुला करके अनायास जो है बीच में रोक करके सुनिए, इसके बाद हमको मारना शुरू कर दिए। इसके बाद जो है उनके साथ में चार छह लोग थे, वो लोग भी हमको मारे। मठ का क्या विवाद है? मठ का हमारा कोई विवाद नहीं हमसे। अच्छा, ये मंत्री जी चले गए तुरंत जाते ही जी, उसके बाद हमको मारना शुरू कर दिया। कहीं लेके जाएंगे? हाँ सर, एकदम ले जाएंगे, पुलिस कप्तान तक चलेंगे, आला अधिकारी तक चलेंगे। हमारे साथ एक माफिया जो है दादागिरी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सर, बात करके हमको मारे क्यों? इनके साथ चार छह लोग गुर्गे इनके थे, वो लोग भी हमको मारे। मैं अकेला था, ये लोग चार पांच लोग, माँ दुर्गा जी कार्यालय के सामने हमको मारा गया। क्या नाम आपको? हमारा नाम है दिनेश कुमार सिंह, डीके सिंह हमारा नाम है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज सेवी हैं। और पार्टी में भी शिकायत जी जिला एकदम शिकायत करेंगे, पार्टी में भी रखेंगे कि ऐसा दादागिरी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके बाद भी गुंडागर्दी हो रहा है। ये गुंडागर्दी है सर, बुला करके चार पांच लोग हमको मारे और मारे जो है बेकसूर हमको मारे। तो ये बताइए सर, गलत किए कि नहीं किए?